थाना बड़नगर पुलिस ने धोखाधड़ी के अंतर्राज्यीय गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर नकद 39,50,000 रुपये जब्त किए। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु चलाए गए अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री नितेश भार्गव के कुशल मार्गदर्शन में थाना बड़नगर पुलिस टीम द्वारा फरियादी जितेंद्र पिता नरेंद्र कुमार मारू के साथ घटित धोखाधड़ी के अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार कर 39,50,000 जब्त किए। घटना का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 22/5/2024 को फरियादी जितेंद्र पिता नरेंद्र कुमार मारू, उम्र 54 साल, निवासी संजना पाक बनगर ने थाना बनगर पर उपस्थित होकर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में पाए गए तथ्यों के अनुसार आरोपी जयेश सिंधी तथा विनोद हरियाणी के द्वारा फरियादी जितेंद्र मारू गेहूं व्यापारी उपज मंडी बनगर दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर स्वनिया को गुजरात के बहुत बड़ा दलाल बताते हुए बड़े व्यापारी फर्म के साथ संबंध बताए तथा गेहूं की आवश्यकता बताते हुए फरियादी से अलग अलग फर्म के नाम पर दिनांक 5/4/2024 से लेकर 26/4/2024 तक ऑर्डर देकर कुल 10 ट्रक गेहूं खरीदे गए। उक्त 10 ट्रक गेहूं में से आरोपियों के द्वारा 3 ट्रक गेहूं का भुगतान किया गया तथा शेष 7 ट्रक गेहूं के रूपों की मांग की जाने पर आरोपियों के द्वारा आनाकानी की गई तथा अपना फोन बंद कर लिया गया। बाद फरियादी के द्वारा आरोपियों के कस्बा देहगांव जिला गांधीनगर गुजरात स्थित में ऑफिस व गोदाम को चेक करने पर बंद पाए गए। बाद अपने साथ धोखाधड़ी की घटना का आवेदन थाने पर प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर से आरोपियों के खिलाफ थाना बनगर पर दिनांक 22/5/2024 को अपराध क्रमांक 236/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस कार्यवाही। थाना बनगर पुलिस द्वारा अपराध संपत्ति संबंधी होकर गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ अधिकारियों के उचित मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना में दोनों मुख्य आरोपी के मोबाइल लोकेशन को लगातार ट्रैक किया गया। दिनांक 31/5/2024 को आरोपी विनोद हरियाणी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर देहगांव जिला गांधीनगर गुजरात से तारकर थाना बनगर लाया गया। बाद गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण में शामिल अन्य साथियों के बारे में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध में आरोपी जयेश पिता ताराचंद, भावेश पिता प्रकाश सिंधी, पंकज पिता तोलाराम जैन तथा धीरू पिता दयाभाई की संलिप्तता बताई गई। आरोपी विनोद के मेमो के आधार पर दिनांक 6/6/2024 को आरोपी जयेश को हिम्मतनगर जिला साबरकांठा से, दिनांक 24/6/2024 को आरोपी भावेश का नाना चिरोडा जिला अहमदाबाद से, दिनांक 24/6/2024 को आरोपी पंकज तथा आरोपी धीरू को कठवाड़ा नारोडा जिला अहमदाबाद से तार किया गया। उक्त 5 गिरफ्तार आरोपियों से कुल 39,50,000 रुपये जब्त किए गए। पांचों आरोपियों के नाम। 1. जयेश पिता ताराचंद सिंधी, उम्र 62 साल, निवासी हिम्मतनगर जिला साबरकांठा गुजरात। 2. विनोद पिता जगदीश हरियाणी, उम्र 39 साल, निवासी देहगांव जिला गांधीनगर गुजरात। 3. भावेश पिता प्रकाश सिंधी, उम्र 30 साल, निवासी नाना चिरोडा जिला अहमदाबाद गुजरात। 4. पंकज पिता तोलाराम जैन, उम्र 48 साल, निवासी कठवाड़ा नारोडा जिला अहमदाबाद। 5. धीरू भाई पिता दाया भाई, उम्र 60 साल, निवासी बापा नगर अहमदाबाद गुजरात। पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि। 1. आरोपी जयेश सिंधी से 11,24,000 रुपये। 2. आरोपी विनोद हरियाणी से 5 लाख रुपये। 3. आरोपी भावेश सिंधी से 5,01,000 रुपये। 4. आरोपी पंकज जैन से 8,69,000 रुपये। 5. आरोपी धीरू भाई से 9,56,000 रुपये। 5 आरोपियों से कुल 39,50,000 रुपये जब्त किए। इनकी रही सराहनीय भूमिका। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री महेंद्र सिंह परमार, थाना प्रभारी बनगर निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक हेमंत कटारे, उप निरीक्षक सौभाग्य सिंह पवार, प्र आर 1306 नरेंद्र सिंह परिहार, प्र आर राहुल सिंह राठौर, प्र आर 918 हेमराज खरे, आर 1134 मन्यक राव, आर 939 अजय चौहान, आर 736 मुकेश नागर, आर 1473 शोभित शुक्ला। उज्जैन बनगर से SB न्यूज की खास रिपोर्ट। संजना पार्क बड़नगर के रहने वाले, इन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें इनके साथ धोखाधड़ी की गई। इन्होंने करीब 10 ट्रक गेहूं के कुछ लोगों को बेचे, जो गेहूं यहाँ से प्रोक्योर किया
तो कुछ मंडी पटनगर में किसानों को जो गेहूँ इन्होंने प्रोक्योर किया उसको गुजरात में इन्होंने भेजा, इनको विश्वास में लेके पहले 3 ट्रक गेहूँ का पैसा दिया गया, बाद में ये टोटल करीबन 40 लाख रुपए का इनके साथ धोखाधड़ी हुई। इसमें क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व थे और इन्होंने अपने स्तर पर जब पता करने का प्रयास किया तो पता चला जिस कार्यालय का दहगांव जिला गांधीनगर गुजरात में ऑफिस और गोदाम बताया गया था वो बंद थे, वहाँ पर इस तरह का कोई कार्यालय नहीं था। इसके बाद इन्होंने शिकायत करी, इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी, इन्होंने पूरा इसको वर्कआउट किया क्योंकि कई आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए इनको पकड़ना क्योंकि एक गिरफ्तारी के बाद फरारी के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जयेश सिंधी, विनोद हरियाणी, भावेश सिंधी, पंकज जैन, धीरू भाई, ये सब साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, अलग अलग जगह के निवासी हैं। उनसे टोटल 39,50,000 इतना आज के इलाकों से अब जो मंडियां हैं उससे शेयर कर रहे हैं कि कहीं इन्होंने इस तरह की धोखाधड़ी और करी हो कि माल खरीद लिया और उसके बाद इस तरह का पेमेंट नहीं किया, ये जानकारी हम इनसे एकत्रित कर रहे हैं, सभी मंडियों से भी एकत्रित कर रहे हैं कि इनके खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत है तो उसके संबंध में भी जानकारी दे रहे हैं। अभी का आपराधिक रिकॉर्ड उनके संबंधित थानों से नहीं मिल पाया और उनकी व्यापारी बंधु है और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं पूरी टीम को 10,000 रुपये नाम देता हूँ। सर, इन्होंने मंडी से खरीदा आकर के ऑनलाइन खरीदा? नहीं, इन्होंने इनसे फोन पे बातचीत करके, मतलब ऑनलाइन ही।